हमारे पास आज हम किसका सॉल्यूशन देने वाले हैं वो बाय प्रैक्टिकल देंगे आपको सॉल्यूशन, वीवो ZX1 यानी कि वीवो का हमारे पास सेट है वीवो Z1X, जिसमें क्या प्रॉब्लम है, स्पीकर का प्रॉब्लम, यानी स्पीकर नहीं बज रहा है। स्पीकर बज तो रहा है लेकिन कुछ सेकंड के बाद स्पीकर डाउन हो जाता है, यानी कि आवाज़ को बिल्कुल डाउन कर देता है, यानी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है। वो ड्रॉप कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी में मिलने वाला है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ हमारा रिंगर लगा हुआ है, इस सेक्शन में रिंगर है हमारा है, तो यहाँ से ये रिंगर है, रिंगर यानी कि यहाँ पे हमारा जो पत्ता है, यानी कि मान लो कि यहाँ पे हमारा पत्ता है, यहाँ इस तरह से हमारा पत्ता कनेक्ट रहता है। मान लो कि ये पत्ता हमारा यहाँ पे कनेक्ट है बॉल टू बॉल, तो ये सारा यहाँ से ये कनेक्ट रहता है। ऐसे मान लो कि ये चार लाइन हो गई स्पीकर की, ये दो लाइन माइक की, जैसे ये कनेक्ट है, तो यहाँ से ये दो लाइन निकल के हमारे स्पीकर के टिप्स पे आता है, एक ये और एक ये। अब जहाँ यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं या GR चेक करते हैं, तो 2.5 से ऊपर की सप्लाई हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो सप्लाई क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। इस पे भी वही सेम कंडीशन है, दोनों पे सेम कंडीशन चल रहा है। तो GR वैल्यू भी ओके आ रहा है, माइक कुछ देर अच्छा बजता है फिर डाउन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, स्पीकर को चेंज किया, सब कुछ कर लिया लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिला है। मान लो कि ये हमारी ऑडियो आईसी, क्या है ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी के पास में दो कॉइल लगी होगी, ये हमारे दो कॉइल हैं, यानी कि एक ये कॉइल एक ये कॉइल, इस कॉइल से कनेक्शन हमारा इस पत्ते पे आ रहा, वो दूसरे वाला ये कनेक्शन हमारा इस पत्ते पे आ रहा है। मान लो कि इस तरह से ये रिंगर सेक्शन काम कर रहा है, तो ये रिंगर सेक्शन पूरा का पूरा इस तरह से काम कर रहा है। तो कुछ देर के लिए स्पीकर बज रहा है फिर भी नहीं, तो इसका या फॉल्ट इस आईसी का मानोगे या फिर इसका मानोगे, इसका मानोगे किसका मानोगे, स्पीकर का मानोगे किसका मानोगे, तो ये सारा ट्रेस करने पे ही पता चलता है कि किसका फॉल्ट है। तो हमने इस ट्रेसिंग किया और देखा कि तो हमारा फॉल्ट, हमें इस कोयल से फॉल्ट का थोड़ा सा वो लगा है कि कोयल फॉल्ट होगी या फिर आईसी फॉल्ट होगी, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर हमने क्या किया, हमने इससे कोयल से और इस कोयल से, यानी कि इस कोयल को हटा दिया, हटाया नहीं, यहाँ से एक जम्पर लिया और एक जम्पर यहाँ से लिया, यानी कि ये जम्पर डायरेक्टली इस टिप्स पे दे दिया और ये दूसरा वाला जम्पर है ये इस टिप्स पे दे दिया। वो बाय प्रैक्टिकल हम बताएंगे इसी, जो कि हमारे पास वो फोन भी है, जो ये फोन है हमारे पास, मान लो कि यहाँ आईसी लगी हुई है और ये स्पीकर हैं, तो इस स्पीकर के हमारे जो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया ये दो वायर को, ये दो वायर हैं उनको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इनका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, पूरा कट कर दिया इसको, कनेक्शन को कट कर दिया। और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ हमारी छोटी छोटी इस फोन में नहीं दिख पाएगी, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी कॉइल लगी हुई, यहाँ से हमने जम्पर किया है। तो बाय प्रैक्टिकल हम इसमें अभी गाना भी प्ले करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा गाना को हम नहीं बजा सकते हैं, क्यों नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि इसमें यदि ज़्यादा गाने को प्ले करेंगे तो फिर ऑडियो कॉपीराइट का मैसेज आ जाएगा। ये हमारा अच्छी तरह से साउंड बज रहा है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इस गाने को नहीं बजाएंगे, अब फिर कॉपीराइट का वो मैसेज आ जाएगा वीडियो के ऊपर। तो इस तरह से आप भी अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। ये वीवो Z1 1X के लिए नहीं है, ये काफ़ी सारे मॉडल है जिसमें कोयल लग के आती है, आपको पता ही होंगे, आप यदि इसके बारे में जानते हो तो आपको पता है कि कौन सा सेक्शन कैसे काम करता है, वीवो का सेक्शन किस तरह से काम करता है, Xiaomi का सेक्शन किस तरह से काम करता है, ओप्पो का मोबाइल है उसमें ऑडियो किस तरह से काम करता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको ये नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, पूरा का पूरा नॉलेज मिलने वाला है इसी चैनल पे, और सारा बोर्नियो का जितना भी अपडेट है उसमें कि कौन सी लाइन क्या वर्क करती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में और हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।